नमस्कार दोस्तों, सुमनलता किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं डोसा, जो कि सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने आधे से आधे कप चने की दाल ली है, 1 कप उड़द की दाल ली है और 3 कप चावल लिए हैं और 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। अब हम इनको अच्छे से धोकर सबको भिगो देंगे रात भर के लिए। अब हमारी ये दाल और चावल भीग गए हैं रात भर। अब हम इनका पेस्ट बनाते हैं। ये हमारे चावल भी भीग गए हैं अच्छे से। अब हम इनको मिक्सर में पीस लेंगे। ये वाला पानी इसका फेंके नहीं, इसको इसी में ऐड करेंगे पीसने के लिए। ये हमारी दाल पिस चुकी है। और अब हम चावल को पीस लेंगे। चावल भी हमारे पिस गए हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दाल और चावल हमने रात में भिगा के इनको पीस लिया था सुबह और 7-8 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको अच्छे से मिला लिया है। अगर ये आपको गाढ़ा लगे तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा बैटर जो है सही अच्छे से बना है तो इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं, 8 से 10 आलू हैं। अगर आप चाहें तो 5-6 आलू ले सकते हैं, मैंने थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं। प्याज, 1 प्याज है और 2-3 हरी मिर्च हैं और अदरक है। इसको बाद में हम कद्दूकस कर लेंगे। और थोड़े से ये कड़ी पत्ते हैं, पनीर लिया है थोड़ा सा, जीरा 1 चम्मच ये जीरा लिया है और 1 से 1.5 चम्मच राई है और 4-5 मिर्च है, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और हल्दी है ये 1 चम्मच और ये 2 टमाटर और ये हरा धनिया। गैस ऑन कर लेते हैं और हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। तेल गरम होने देंगे। अदरक को कस ले रहे हैं जब तक ऑयल गरम हो रहा है। ये हमारा अदरक कस लिया है हमने। अब हम ऑयल में ये चने की दाल और उड़द की दाल को डाल देंगे और ये राई भी इसमें और जीरा। इसको अच्छे गैस धीमी कर लेंगे। गैस धीमी कर लेंगे थोड़ा और ये करी पत्ता, थोड़े से करी पत्ते इसमें डाल देंगे। गैस को तेज कर लेंगे और 1 प्याज इसमें पूरा, ये प्याज अदरक और हरी मिर्ची एक साथ डाल देंगे इसमें। अब इसको चलाएंगे और लाल मिर्ची को तोड़ के डाल देंगे चारों को और अच्छे से इसको ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब गैस धीमी कर लेते हैं और इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर को ऐड करेंगे और थोड़ा चलाएंगे और थोड़ा सा आधे टमाटर इसमें हम डाल देंगे। 2 टमाटर थे तो इसमें से मैंने एक ही डाला है और आधा बचा लिया है तो वो डोसे की टॉपिंग के लिए मैंने रख लिया है। डोसे में
टमाटर भी अब हमारे हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को तोड़ के अच्छे से, या तो आप इसको कद्दूकस कर लें, कद्दूकस नहीं करें तो फिर आप इसको कलछी की सहायता से इसको तोड़ लें और इसको चलाते रहें। इनको आलू को अच्छे से फ्राई कर लें, 2-3 मिनट तक चलाते रहें इसको अच्छे से। ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। अगर आपको धनिया पसंद नहीं हो तो मत डालें, वैसे धनिया से टेस्ट अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। हमारा मसाला ये तैयार हो चुका है, गैस ऑफ कर देते हैं और अब हम ये पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। ये पनीर हमारा कद्दूकस हो गया है। ये आधा 1 चम्मच अमचूर पाउडर है तो हम इसको मिला लेंगे। अगर आपको ना पसंद हो तो मत डालें। चलिए गैस ऑन कर देते हैं और तवे को गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा पानी छिड़केंगे इसका और पोंछ देंगे और हल्का सा ऑयल डाल देंगे और इसको फैला देंगे। गैस धीमी कर लेंगे और बैटर डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच इस पर बैटर डाल देंगे और अच्छे से गोल गोल करके घुमाएंगे। ऑयल लगाएंगे चारों किनारे और थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ फैला देंगे। ये जो थोड़ी मोटी सी लेयर हो रही है इसको आप प्लेन भी कर सकते हैं और धीमी आंच पे इसको आधा मिनट तक सिकने देंगे। गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे और इसको थोड़ा सिकने देंगे अच्छे से, जब तक हम इस पे आलू का ये जो मसाला हमने तैयार किया था इसको फैला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़े से टमाटर बारीक कटे हुए और कसा हुआ पनीर और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक सिकने देंगे। ये डोसा हमारा अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा डोसा सिक के तैयार हुआ है। अब हम इसको नारियल की चटनी या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं नारियल की चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो लीजिए ये तैयार है हमारा डोसा, आप भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।